आपके चेहरे पे अचानक से रिंकल्स दिखने लगे हैं, पिगमेंटेशन होने लगे हैं, या आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, उम्र का प्रभाव आपके चेहरे में अचानक से दिखने लगा है, तो ये चार गलतियाँ आप ज़रूर करते होंगे। तो इन चार गलतियों को करने से ही हमारा जो फेस है वो उम्र से पहले डल हो जाता है, बूढ़ा दिखने लगता है, एजिंग लाइंस आ जाती हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं। वो कौन सी चार मिस्टेक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कि यदि आप दिन में 2 लीटर से कम पानी पीते हैं, वैसे हमें 3 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन अगर आप 2 लीटर से कम पानी पीते हैं तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसी के कारण हमारे स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं और हमारा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। आप पानी ज़रूर पिए, ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। अगर हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन में चमक बनी रहेगी, और अगर आप 2 लीटर से कम पानी पीते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी डल कर देगा, आप उम्र से पहले बूढ़े लगने लगेंगे। ऐसे बहुत से गर्ल या बॉय मैंने देखे हैं जिनकी एज बहुत कम है लेकिन वो पानी नहीं पीते हैं, जिसके कारण उनकी 25 साल की उम्र में ही वो 35 साल के लगने लगते हैं। उसका रीज़न है बहुत कम पानी पीना, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपकी स्किन की जो ग्लोनेस है वो चली जाती है, आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं रहती है, आपकी स्किन में सूखापन सा भी हो जाता है। इसलिए अगर आप उम्र के पहले बूढ़े नहीं दिखना चाहते हैं तो रोज़ 3 से 5 लीटर पानी ज़रूर पिए। सेकंड मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बेवजह स्ट्रेस लेते हैं, या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑफिस की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और कुछ लोग तो बेवजह ही टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी जो स्किन है उसको ख़राब करने, हार्म करने का, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये हमारी स्किन पे बहुत बुरा असर डालती है। इसलिए आप स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस से दूर नहीं रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे तो ये आपकी स्किन पे बहुत बुरा असर डालेगी। आप कम उम्र में ही आपके उम्र के प्रभाव आपके चेहरे में दिखने लगेंगे। देन थर्ड मिस्टेक हम ये करते हैं कि रात में उल्टा सोते हैं। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि रात में उल्टा सोते हैं, जिससे उनका जो फेस है उसका शेप वो बिगड़ जाता है, जिससे उनको रिंकल्स आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उल्टा सो रहे हैं, हमारा चिक जो है वो हल्का सा ऐसे पूरी रात हो गया, तो यहाँ इस एरिया में रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस एरिया में सबसे पहले रिंकल्स उन्हीं के आते हैं जो रात में उल्टा सोते हैं। तो यदि आप भी नहीं चाहते कि उम्र से पहले ही आपके फेस में रिंकल्स आ जाएं या आपके फेस ख़राब दिखने लगे, तो आप रात में सीधा ही सोएं। देन फोर्थ मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम जैसे बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, या हम मेकअप ज़्यादा लगाते हैं, मेकअप करते हैं और रात में सोने से पहले अपने फेस को क्लीन नहीं करते, एज इट इज़ मेकअप आपके फेस में रहता है, या आप धूल मिट्टी आपके फेस में आई और आपने उसको क्लीन नहीं किया तो ये धूल मिट्टी आपके पूरी रात आपके फेस में रह गई, ये भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती है। तो अगर आप इस तरह की गलती करते हैं, रात में सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, तो भी आपकी स्किन बहुत जल्दी डल हो जाएगी, रिंकल्स आपके फेस में बहुत जल्दी आ जाएंगे, या उम्र से पहले आपका फेस बूढ़ा दिखने लगेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो 25-26 साल के हैं लेकिन उनका फेस इतना ज़्यादा डल है कि वो 35 या 40 साल के लगते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप ये चार मिस्टेक ज़रूर करते हैं। इसलिए इन चार मिस्टेक को बिल्कुल भी ना करें, और जो इन मिस्टेक को करता है आपके घर में भी हैं, जो बच्चे हैं या बड़े हैं, उन्हें भी इन मिस्टेक को करने से ज़रूर रोकें। और अगर आप नहीं रोक सकते तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें पता चले कि वो उम्र से पहले क्यों उनका फेस इतना ज़्यादा डल हो रहा है या रिंकल्स आ रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।